आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। इंदौर में एक मोबाइल चोर को पकड़ने के लिए एक लड़की चंडी बन गई। उसने झपट्टा मारो को बाइक सहित नीचे गिरा दिया और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। लेकिन तभी वहां से गुजर रहे कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने अपनी गाड़ी रुकवाई और अपने गार्ड को तत्काल लड़कियों की मदद के लिए भेजा, जिसके बाद दोनों झपट्टा मारो को पकड़ लिया गया। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश सरकार किसी भी कोने में कोई भी अपराधी हमारी बेटी और बहन पर इस प्रकार कृतज्ञ करेगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके स्थान सलाखों में। उत्तराखंड की बेटी हमारे माँ लिया की नगरी में आई हो, कुछ सातिर चोर उस बेटी का मोबाइल छीनने का प्रयास करेंगे तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ का बेटा हूँ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे मंत्री पद सौंपा तो उस बेटी की और बहन की रक्षा करने का। कैसे ये नजर में आया आपके घटना? भीड़ लगी थी, मैं जा रहा था हूँ यूँ। कहाँ की घटना है? विजयनगर हुआ। कौन सा थाना था अपना? क्यों विजयनगर थाने में रुका, उनको पुलिस को बुला करके उनको बंद किया। और मैं आज हमारे सारे अधिकारियों को मैं निर्देश दिए ऐसे जितने भी साथी चोर इंदौर में घुसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहनों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि निर्भीक होकर इंदौर में रहें? हमारी बहनें हमारी मां शक्ति है। दरअसल उत्तराखंड से एक लड़की इंदौर घूमने आई थी। वो अपनी मौसी की स्कूटी पर इंदौर के विजयनगर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर आए दो बदमाशों ने लड़की के हाथ से मोबाइल छीन लिया। लड़की ने पीछे बैठे बदमाश को शर्ट पकड़कर गिरा दिया। बाइक से गिरने पर बदमाशों के हाथ से फोन गिर गए थे। बहादुर लड़की ने दोनों बदमाशों से मोर्चा ले लिया और मदद की गुहार लगाने लगी। तभी मंत्री जी की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने तत्काल अपने गार्ड को भेजा। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक महिला उनके साथ उसकी जो रिलेटिव थी वो एक्टिवा पर जा रहे थे, तब दो लड़कों ने उनसे मोबाइल चुराने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की थी, तो युवती ने साहस दिखाते हुए उसको धक्का दे दिया था जिससे वो लोग गिर गए थे और उसके बाद युवती ने उसको पकड़ने का प्रयास किया और भागने लगे। तभी वहाँ सर माननीय मंत्री महोदय तुलसी सिलावट निकल रहे थे, उनके साथ में जो फॉलो वन था वो उनसे उनने मदद मांगी थी लड़की ने, तो मंत्री जी ने तुरंत जो साथ वाले थे उनसे पुलिस को खबर करवाया और जो गार्ड थे उनको पहले वहाँ भेजे, तो जो पुलिस टीम वहाँ पर मौके पर पहुँच गई थी और गार्ड भी थे उनने मौके पर ही लड़कों को पकड़ लिया और जब लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस घटना की शहर में खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि कमिश्नरी बनने के बाद इंदौर में पुलिस व्यवस्था काफी चुस्त हुई है, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों के हौसले पड़े हुए हैं। आए दिन बदमाश किसी न किसी वारदात को अंजाम देते रहते हैं और साथ ही साथ पुलिस को चुनौती भी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।